जौनपुर के मछली शहर थाना क्षेत्र के सरायकाशी गांव में सोमवार को करीब 3 बजे दिन में हाईटेंशन विद्युत तार की चपेट में आने से ट्रक धू धू कर जलने लगी, जिसमें 38 वर्षीय ट्रक चालक ट्रक में आग लगते ही चलती ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान वह घायल भी हो गया। बताते हैं कि स्थानीय थाना क्षेत्र के सरायकाशी निवासी 38 वर्षीय दिलीप कुमार पुत्र दीप नारायण बालू लदी ट्रक को कनी में उतारने के बाद अपने घर सरायकाशी जा रहा था। जैसे ही वह ट्रक लेकर घर के करीब पहुंचा ही था कि ऊपर से गए हाईटेंशन विद्युत तार से ट्रक से स्पर्श होते ही ट्रक में करंट प्रवाहित होने लगा। विद्युत तार सर्किट से उसमें आग लग गई, जिससे ट्रक धू धू कर जलने लगी। ट्रक चालक लेकर भागा, मगर आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरे ट्रक में आग पकड़ ली। चालक तुरंत चलते ट्रक से कूद गया, जिससे वह घायल भी हो गया। तत्काल ग्रामीणों ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सा अधिकारी ने बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक एपी सिंह मय फोर्स मौके पर पहुंचकर ट्रक में लगी आग को ग्रामीणों की मदद से बुझवाने के साथ ही ट्रक को रास्ते से हटवाकर रास्ते से किनारे कराया। कैसे भाई दे सोच नहीं रही है, मारे से एकदम पूरे उकई दे। अजीत हमने के बात तो कही था यार ने साफ नहीं आता था कही था नहीं पानी है ना। ड्राइवर वो यार कब अरे हालत खराब है, थोड़ी दस मिनट ड्राइवर पता नहीं किए है हमारे सर बस। हाँ कैसी तरह में मुंडू ड्राइवर बना रहे पता नहीं किए है दिलीप मुंडू दू गए हैं रंजीत क्यों उधर ही रही यार पता ही ना चली यार, हम सुनी मुंडी की गाड़ी है तब उन्होंने खाई है मुंडी चलाओ उतरे नहीं मुंडू चलाओ अबे अंदर आग लगी क्या मुन्ना
अंदर आगे का लगी तो कर दो। इंजन मज्जा बाटे हुए टायर वाटे चला गया बाटे। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 का बिगुल बज चुका है। क्या आप भी लड़ रहे हैं पंचायत चुनाव 2021? तो अब हो जाइए बेफिक्र, क्योंकि जौनपुर न्यूज आपकी खबर भी लेगा और आपको खबर भी देगा, करेगा आपके चुनाव का प्रचार। तो देर किस बात की, अभी व्हाट्सएप पर करें संपर्क 6307713277। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी के उम्मीदवार, संपर्क करें